दोस्तों, बीमारियों का अब कोई अंत नहीं है। एक ऐसी बीमारी है पैरालाइज्ड की। अगर आप लकवे के शिकार हैं और आपके शरीर के किसी भी भाग में लकवा हो गया है, या फिर आप अब खुद अपना कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो चीज़ें फॉलो करते हैं, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आपको लकवे की शिकायत बहुत लंबे समय से है, या फिर अभी आपको किसी भी बॉडी के पार्ट में लकवा हो गया है, तो आप अपना सकते हैं वो नुस्खा घर बैठे बैठे, जो आपको राहत पहुंचा सकता है। लेकिन कौन सा होगा वो नुस्खा, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से। फालिज वालों के लिए तो अमृत है वो नुस्खा, जो अदरक लहसुन और नींबू का रस 1-1 लीटर और जैतून का सिरका 1 लीटर, अगर ये फालिज वाले लें तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी आपने सबसे पहली कॉल पर सुना कि उनके फालिज ज़्यादा, जो उनकी नानी थी उनका पैर वगैरह सब चलने लगे, तो आप ज़रूर लीजिए। अगर ऐसा है तो ये बहुत सारे फ़ायदे करता है। एक तो कोलेस्ट्रॉल को ढूंढ कर निकालता है जहाँ भी जिस्म में जमा हुआ हो। फालिज वालों को दिमाग की बहुत बारीक नस में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से फालिज होता है, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। और एसिडिटी के लिए आप बाहर से भी इलाज ले सकते हैं, ये नुस्खा भी ले सकते हैं। ये नुस्खे धीरे धीरे फ़ायदा करेंगे और एसिडिटी की कोई भी गोली आप साथ में इसके चाहें तो ले सकते हैं जी। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी ब्रेन स्ट्रोक को लेके। ये एक तो हो क्यों जाता है, और जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं क्या उन्हें लकवे की शिकायत हो सकती है? हाँ, देखिए, लकवा, फालिज, पैरालिसिस, ये सब एक ही से रोग है। लकवा उसे कहते हैं जो खाली मुंह के हिस्से पर होता है, या जबान पर होता है, या आंख पर होता है, तो हल्का जो असर होता है इसका, उसे लकवा कहते हैं जी। अब ब्रेन स्ट्रोक, देखिए, दिमाग के नसें ही नसें हैं, रगें ही रगें हैं जी जी। इनसे जब खून बहता है तो इसको पतला होना चाहिए। जब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में, तो वो गाढ़ा खून जब इससे बहता है तो कोलेस्ट्रॉल कहीं खून के साथ मिक्स होकर जम जाता है। ज़्यादातर स्ट्रोक इसी वजह से आता है। तो अक्सर ये बीमारी 40-45 साल के बाद ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि 40-45 साल के बाद हमारा खून गाढ़ा होने लगता है कुदरती तौर पर, ये एक सिस्टम है। तो इस उम्र के बाद हमें अपना खून पतला रखना चाहिए। कुछ ऐसी दवाएं, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं। ग़िज़ाओं में देखिए, जीरा, अदरक, लहसुन ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो अपने खानों में अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं तो हमारा खून पतला रह सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखिए, एक उम्र ऐसी आती है यानी कि 40+, जहाँ पे आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप भी किसी बीमारी को लेके हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, आप नुस्खे जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। कर्नाटक से हैं साबरा, स्वागत है आपका। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर में मुझे सर का बहुत दर्द है माँ, ये कनपट्टी नहीं है मेरी रगात टाइट हो गई, पैरों का दर्द, कमर के नुकसान से बैठने आता जी मुझे। ठीक है, ठीक है। बहुत तकलीफ है मेरी जान को, बहुत तकलीफ है मुझे। बहुत दिन से मैं ट्राई करी थी, मुझे नई फोन नहीं लगा, आप मुझे लगाए, बहुत मुश्किल में ही हूँ मैं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। मोहतरमा, देखिए, यहाँ पर एक उम्र आती है जहाँ 40-45 साल, 50 साल,
तो ये रोग, ये बीमारी सबको होने लगी। कमर में दर्द और गर्दन या सर में दर्द, तो एक इलाज है, एक एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आप समझ लें। ऐसे बैठें बिल्कुल मेरी तरह, और ये कान आप अपने मोंढे से लगाइए, बार बार लगाइए, और पूरे दिन में ये एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए देखिए ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ के, ये देखिए यहाँ तक आ जाती ऐसे, ये भी 3 मिनट करें, तो ये आपके कान के पास दर्द और खिंचाव और दर्द और सर दर्द, इसका इलाज है ये। रोज़ाना पूरे दिन में 3-3 मिनट करनी है, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो पूरे दिन में कर लें, एक एक मिनट करके 6 बार में 3 मिनट कर लें, घड़ी देख के ईमानदारी से। और फिर एक आता है गौंसिया, गौंसिया असली खरीदें, और ये नकली बहुत मिलता है, 15-16 रुपए का आता है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से या दूध से खा लें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से या दूध से खा लें, बस काफ़ी है। कहीं भी दर्द हो, कहीं भी खिंचाव हो, चाहे घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, ये अगर 100 ग्राम भी असली लेने में आप कामयाब हो गए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम साहब। सलामत रहें। खैरियत है टीम साहब? सब खैर है, आप बताएं। टीम साहब हमें ये पूछना था, जैसे आंवले का मुरब्बा आप दिल कमजोर के लिए बताते हैं, तो उसको कितने महीने लेना चाहिए तो सही हो जाता दिल कमजोर जो होता है, ठीक है? और दूसरा मेरा सवाल ये, जैसे आप लहसुन अदरक और नींबू का रस बताते थे, पका गरम करके तब सिरके में मिलाना चाहिए जैतून के, ये तरीका सही है या नहीं सही है? जो सही हो वो तरीका बता दीजिएगा, ठीक है? और हमारा तीसरा सवाल ये, जैसे आप बेल का शरबत बताते हैं पीने के लिए, तो वो कितने महीने लेना चाहिए जिससे मतलब वो दिक्कत ठीक हो जाती है? ये हमारे 3 सवाल हैं। ठीक है। बेल का शरबत तो बगैर बीमारी के भी और हमेशा भी पी सकते हैं, वरना आप अपनी बीमारी ख़त्म होने तक पीजिए, ये अच्छी चीज़ है। और बेल का शरबत ना मिले तो बेल का मुरब्बा ले लें, उसका शरबत बना लें, वो भी तकरीबन वही काम करता है। और लहसुन अदरक और नींबू वाला गरम करके, हाँ बेहतर ये है कि सिरके को गर्म ना किया जाए, बाकी लहसुन अदरक और नींबू के पानी को या जूस को गर्म करके इसमें मिला दें, तो ये बेहतर तरीका है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो बेहतर है। आंवले का मुरब्बा दिल कमज़ोर के लिए? हाँ, आंवला भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको चलने लगे, आंवले का मुरब्बा ज़रा ठंडा होता है तो सर्द मिजाज वालों को नहीं चलता, तो आप ज़िंदगी भर भी खा सकते हैं इसे, वरना अपनी तबीयत अच्छी होने तक इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, मेरठ से हैं ओमवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हकीम जी को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत ओमवीर जी का मेरठ वालों। हाँ, बताइए। ये काला गोंद मिसेज के लिए मंगवा रखा था, 1 महीने तक खा रही है, तो उनके दर्द में तो कुछ कमी आई है? हाँ देखिए, बस हड्डियों और जोड़ों का दोस्त है ये, और ऐसे 20-30% फायदा हो गया तो इत्मीनान रखिए, ये 1 महीना हुआ, 3 महीने चलता है, 3 महीने 10 दिन तकरीबन, तो उसी में पूरा फायदा मुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी रह जाए थोड़ा बहुत तो आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसने दर्द को राहत पहुंचाई, अब हड्डियों को राहत पहुंचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक आयुर्वेदिक इलाज है तो धीरे धीरे फायदा करेगी, आप इत्मीनान रखें। और बस वही बातें मैं दोहराऊंगा कि उनको ज़्यादा मेहनत, जैसे झाड़ू पोंछे में बड़ी मेहनत होती है,
मर्दों को नहीं पता कितनी मेहनत होती है, तो वो ना करने दें कोई भी मेहनत का काम, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो आपकी पत्नी अच्छी होना मुमकिन है। जी, हरिद्वार से हैं ब्रज श्री कुंज मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत श्री ब्रज श्री कुंजी महाराज की। जय सर, मेरे को ना नींद नहीं आती रात में। तो वैसे तो मैं दवाई लेती हूँ पर मैं उसको छोड़ना चाहूँ। आप जैतून का वो बताते हैं सिरका, लेकिन मेरे को खट्टी चीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं ऑरेंज तक नहीं खा सकती। ठीक है, नहीं तो मैं वो खा लूँ अंगूर वगैरह कुछ, लेकिन वो भी नहीं मैं ले सकती। ठीक है, प्लीज आप बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस नींद की वजह से। ठीक है, ठीक है जी। हाँ देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती। ये नुस्खा उन लोगों के लिए नहीं था जिनको ठंडे मिजाज के जो लोग हैं। तो आप एक चम्मच खशखाश, खूब सारी खशखाश पीस कर रख लीजिए ग्राइंड करके, और एक चम्मच खशखाश और आधा ग्राम या एक ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, आप इसे रात को दूध में मिलाकर ले सकते हैं और रोज़ाना एक बार ले लिया करें। आपको खूब ऐसी गफलत की नींद और जैसी नींद होनी चाहिए वैसी नींद आएगी। थोड़ा सब्र करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। ओमवीर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, कोई सवाल रह गया है? मेरे दो सवाल रह गए जी। तीन पेशेंट के बारे में पूछना था मुझे। एक तो बोल दिया, ठीक है। अच्छा, मेरी पुत्रवधु है, उनको जो डिलीवरी हुई है, बच्चे जो हुए हैं ऑपरेशन से हुए हैं दोनों। जी तो जी, उनका पेट इतना बढ़ा हुआ है और मोटापा हुआ है, उन्हें थायराइड भी है। और दूसरा सवाल है, एक पेशेंट को पथरी है गुर्दे में, दूसरा सवाल पथरी है गुर्दे में और उन्हें स्वेलिंग आ जाती है पूरे शरीर पे। ठीक, हाँ देखिए, जो पथरी है उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। किसी को अगर ज़रूरत भी नहीं हो तो ये लिख के रखें, मैंने इतना अच्छा नुस्खा देखा नहीं। देखिए, गूलर के पत्ते खाएं दो या तीन। गूलर का पेड़ होता है बहुत बड़ा सा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं एक हाथ की बराबर या उससे थोड़े छोटे, और इसको बकरा बकरी बहुत शौक से खाते हैं गूलर के पत्तों को। गूलर मिल जाए या गूलर के पत्ते मिल जाए, दो तीन खा लें, चबा के खा लें। और एक चुटकी, ये दो चुटकी ये आता है नमक जैतून, पानी में मिलाएं दो गिलास पानी में, और इस पानी में एक या दो नींबू भी निचोड़ लें। ये पत्ते खा के आप ये पानी पी लिया करें, बस रोज़ाना एक बार। इसका रिज़ल्ट ऐसा मैंने देखा कि एक दिन में या दस दिन में, कभी भी एक से दस दिन में पथरी को पाउडर बना के निकालने की ताकत रखता है। तो ये गुर्दे की पथरी के लिए। अच्छा, अब रहा पुत्रवधु के पेट और वेट का सवाल। तो बच्चे जिन महिलाओं को ऑपरेशन से होते हैं उनका 95% तो वेट बढ़ता ही है, तो यही नमक जैतून जो बता रहा हूँ एक चुटकी लें, और खाने का सोडा एक चुटकी और पानी में मिला लें, और इस पानी को पीना है। इससे पहले धनिया का पाउडर, धनिया तो सब किचन में होता ही है, धनिया का पाउडर एक चम्मच खाएं और ये पानी पी लें रोज़ाना एक बार या दो बार, निहार में और रात को सोते समय। और वो जो गोली उनकी चल रही हो थायराइड की, वो भी देते रहें। ये अगर 6-7 महीने नुस्खा देते हैं तो उनका भी वेट और पेट और थायराइड के साथ तीनों चीज़ें अच्छी होना मुमकिन है।